What's up guys, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Films on YouTube channel. और आप देख रहे हैं क्वेश्चन एंड आंसर वॉल्यूम नंबर 15. और सबसे जो आज जो दुख की बात है वो ये है कि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का निधन हुआ है. तो उनके लिए मैं अपनी भावना अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ. और वो एक ऐसी शख्सियत थे जिसके बारे में आप जितना बोलें उतना कम हो. उन्होंने हिंदुस्तान की राजनीति में जो करके दिखाया है वो मुझे नहीं लगता कोई कर पाएगा, बिकॉज वो बहुत ज्यादा निस्वार्थ थे और जो भी उन्होंने किया है वो अमिट है और ऐसा कोई नहीं कर सकता. तो मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं. भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको सदगति दे और जो भी वो चाहते थे इस जीवन में करना बनना आगे भी उन्हें लाइफ में भगवान को ये ऐसी अपॉर्चुनिटी दे जिसके कारण वो जीवन में उन चीजों को पूरा कर पाए जो इस लाइफ टाइम में वो पूरा नहीं कर पाए. तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो है वॉल्यूम नंबर 15 क्वेश्चन एंड आंसर. तो आप अभी कॉल कर सकते हैं. बिल्कुल अच्छा जी, नमस्ते. आपको मैं क्लियर दिखाई दे रहा हूं सुनाई दे रहा हूं? ओके. तो आप अभी कॉल कर सकते हैं और जो भी आपके प्राइम क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं. बिल्कुल हाय शायद अली, हाय नीतू जी. माय हाउस इज साउथ फेसिंग इन द फर्स्ट रूम. वी हैव आवर मंदिर ऑन नॉर्थ साइड दैट रूम. नीतू जी आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है. इस बारे में मैं आपको नीतू जी अगर आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, उसमें मैं डिटेल में आपको बता पाऊंगा. नमस्ते जी, कौन सर बात कर रहे हैं? हाँ जी, कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, आवाज आ रही है आपको? नमस्ते जी, आवाज आ रही है आपको? आवाज आ रही है क्लियर? सॉरी आवाज नहीं, आवाज कम आ रही है. पता नहीं मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है. बताइए अपनी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कर्नाटक से बात कर रहा हूँ. कर्नाटक से कौन बात कर रहे हैं? हेलो, कौन बात कर रहे हैं? दर्शित, दर्शित नाम है मेरा. दर्शित, दर्शित जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए. 18 मार्च 1993. 11:25 AM. ओके, लगन पता आपको, एसेंडेंट पता अपना? शायद टॉरस होगा. टॉरस जी, क्वेश्चन पूछिए. अभी जॉब कर रहा हूँ, मतलब इतना सेटिस्फेक्शन नहीं है मुझे. शेयर मार्केट में करियर कर रहा हूँ, तो क्या मैं बन सकता हूँ ट्रेडर या इन्वेस्टर?
जी बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा, बिकॉज फिफ्थ हाउस का लॉर्ड मरकरी है और मरकरी आपके टेंथ हाउस में कैरियर हाउस में बैठा हुआ है, सेवन के साथ बैठा है, तो बिल्कुल आप कैरियर चाहें तो बिल्कुल बना सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, थोड़े से एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, उसके बाद आपको पूरा चांस मिलेगा कि जो भी आप चाहें उसको कर पाएंगे। देखिए सैटर्न के कारण, यानी सैटर्न चीजों को डिले करता है, तो थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएं आप, ठीक है ना, चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से करें, थोड़ा सा एफर्ट्स लगाएंगे तो चीजें आपके फेवर में आएंगी, ठीक है ना। रोक विशाल जी, हाय रोक जी, हाय आकाश जी, हाय बैटमैन, हाय सुब्रत, हेलो 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 हेलो, हाँ जी कौन, हेलो मुझे आपकी आवाज आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं, मैं आपकी आवाज, मॉरिशस से कौन बात कर रहे हैं, मॉरिशस से, हेलो मॉरिशस से कौन सा बात कर रहे हैं, नाम बताइए, नाम बताइए अपना, सैयद अली, सैयद अली जी, सैयद जी बताइए, क्वेश्चन पूछिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, सैयद जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए, नहीं नहीं अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए आप, डेट ऑफ बर्थ, सॉरी दोबारा से बताइए, 30-25 कैसे हो जाएगा, नहीं मंथ बताइए, पहले आप डेट बताइए फिर मंथ बताइए फिर ईयर बताइए, ट्वेंटी एट जनवरी 28 जनवरी 1987 ओके, टाइम बताइए, टाइम बताइए, टाइम ऑफ बर्थ, सॉरी 1325 आफ्टरनून, 1325 आफ्टरनून, 1325 आफ्टरनून, ओके ओके, बर्थ प्लेस बताइए अपना, कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपको एसेंडेंट पता है अपना, डू यू नो योर एसेंडेंट, व्हाट इज योर एसेंडेंट, ओके ओके, लेट मी नो योर बर्थ प्लेस, स्पेलिंग, स्पेलिंग, सॉरी Actually, I couldn't hear you properly. So, could you please send me your birthplace or birth address to my WhatsApp number? Is it okay? I already sent you, sir. Okay. I will check that. Okay? Take care, boy. सैयद अली, सैयद अली जी थे, कुछ क्लियर नहीं कर पा रहे थे,
क्या इनका बर्थ प्लेस है, क्या है? आई डोंट नो योर सेल नंबर। अगर जी सेल नंबर अभी इंद्रेश जी ने यहाँ पर फ्लैश किया है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सुब्रत विश्वास। हाँ जी सुब्रत जी, सुब्रत विश्वास उड़ीसा। सैयद अली जी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं व्हाट्सएप में देख लूंगा जो भी आपकी। एक सेकंड सुब्रत जी। 4 जनवरी 1981 टाइम बताइए। 5:10 मॉर्निंग में, इवनिंग में? इवनिंग। 5:09 बर्थ प्लेस? बालासर। लगन पता आपको अपना? जी मैंने मेरी की जवाब में आपके पंजाब आ रहा था, उस दिन मैंने भी आपको कॉल किया था। बालासर की स्पेलिंग बताइए। बालासर यहाँ पर राजस्थान में दिखा रहा है, गुजरात में दिखा रहा है, कौन सा वाला? बालासर बोला ना आपने, स्पेलिंग बताइए। स्पेलिंग बताइए बालासर की। बालासोर। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक। ये क्वेश्चन पूछिए अपना। क्या 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 पूछा आपने? मेरा इनकम कुछ भी नहीं है सर, दूसरा जाना मरीज भी अब तक नहीं हुआ मेरे सर, कब तक नहीं छुपने। देखिए आपकी इनकम इसलिए वीक है, आपकी इनकम सुनिए 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 मैं बताता हूँ। आपकी इनकम इसलिए वीक है कि आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच का है, वो भी मून। मून डेब्लिटेशन में है, वो भी सिक्स हाउस में है, ठीक है? इसलिए सेविंग आपकी बिल्कुल बिगड़ी हुई है। दूसरा सैटर्न का उसके ऊपर एस्पेक्ट पड़ रहा है, तो बिल्कुल भी इनकम नहीं आ रही है। सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, आपको पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, जरूरत रहती है, ठीक है? तो इसके लिए आप क्या करें, चावल होता है ना, चावल राइस, राइस को बहते पानी में बहाएं, थोड़ा सा राइस लेके उसको। आप मेरी बात सुनिए, बीच में मत बोलिए, मेरी बात सुनिए, मैं जो बोल रहा हूँ फिर आपको दोबारा पूछना पड़ेगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसको सुनिए थोड़ा सा। व्हाइट राइस को बहते पानी में बहाएं, 7 times सर के ऊपर से रोटेट करके, थोड़ा सा एक मुट्ठी चावल, ठीक है? दूसरा, कोई भी आपके गेस्ट आते हैं उनको अपने हाथों से पानी पिलाएं, हाथों से पानी दें, पानी और दूध का दान करें, चाहे वो थोड़े थोड़े उसमें करें, लेकिन थोड़ा सा भी करें पर दान करें, ठीक है? और बहते पानी में थोड़ा सा चावल बहाएं, बहते पानी में, ठीक है? चावल का दान भी कर सकते हो आप, चावल दूध और पानी का दान करना है आपको। दूसरी चीज, शनि का एस्पेक्ट पड़ रहा है चंद्र के ऊपर, तो शनि के लिए क्या करना है, जो लोग बीमार होते हैं उन लोगों को थोड़ा सा फाइनेंशियल मदद करें, थोड़ा उनके रेमेडी वगैरह का ध्यान रखें, बीमारी का ध्यान रखें, उनकी थोड़ी हेल्प करें। और राहु आपके सेकंड हाउस में है, तो जौ को बहते पानी में बहाएं, चांदी का चौकोर
सिक्का बनवा के अपने जेब में रखें, पीले रुमाल में बंद करके, साथ में मोर पंख भी उसके साथ में रखें, ठीक है। और चंदन और केसर का तिलक लगाएं माथे पे, अपने गले में और अपने नेवल में, यानी जो नेवल पार्ट होता है ना पेट में, नेवल, वहां पर चंदन केसर का तिलक, तीन जगह, माथे पे, गले में और नेवल पे, तीन जगह चंदन केसर का तिलक लगाएं, तब ये आपकी प्रॉब्लम धीरे धीरे करके सॉल्व होगी। राहु के 18,000 मंत्रों का जाप कराएं, ठीक है जी। और अच्छा, क्या देखिए, फॉरेन जाएंगे वहां कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है ना, फॉरेन में अगर आप जाके करना चाहें वहां भी कर सकते हैं काम, तो बिल्कुल। हाँ बिल्कुल मिल सकता है, अगर फॉरेन जाके भी काम करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं आप, ठीक है। देखिए पहले तो ये कि अगर आप कुछ नशा वगैरह करते हैं तो उससे दूर रहना, ठीक है। अगर कोई ज्यादा ही आपको नशा वगैरह, नशा अगर करते हैं किसी चीज का, अगर नशा करते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं, सिगरेट पीते हैं, कुछ करते हैं, हाँ अगर फ्यूचर में जाके करें तो थोड़ा सावधान रहना, उससे प्रॉब्लम आपको आ सकती है, किडनी में प्रॉब्लम आ सकती है, लिवर की प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। और वैसे भी अगर किडनी लिवर में प्रॉब्लम आती है तो डॉक्टर को दिखाना। बाकी रही आपका, आपने पूछा कैरियर के, वो क्या क्या पूछा आपने दोबारा, बिजनेस के बारे में, बिजनेस के बारे में, बिजनेस आप अगर आपको करना है तो आप अपने होमलैंड में रहकर बिजनेस कर सकते हैं, जॉब करना है तो आप बाहर जाकर जॉब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी फर्दर क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करना, फर्दर क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, फर्दर क्वेश्चन के लिए, राइट जी। तो ये थे सुब्रत जी, और आप जो भी इसमें लिख रहे हैं ये मुझे अभी दिखाई नहीं दे रहा है, इसमें शो नहीं हो रहा है फिल्म। नमस्ते अकाश दास जी, क्या हाल चाल है? सॉरी गुरु जी, मैंने पूछा आप कैसे हैं, ठीक हो? गुरु जी अच्छा, आप कैसे गुरु जी? बस मैं ठीक हूँ, खैरियत है। डेट ऑफ बर्थ बताइए, मेरे बारे में कुछ जानना चाहते हो? क्या कह रहे हो? मेरे बारे में थोड़ा कुछ जानना चाहता हूँ गुरु जी। हाँ हाँ डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1993। 22 जून 1993। टाइम बताइए। टाइम 5:45 PM। 5:45 PM कोलकाता। स्टैंड वो आपको पता है अपना लगन? लगन मेरा शायद स्कॉर्पियो लगन है गुरुजी। हाँ स्कॉर्पियो एसेंडेंट है आपका जी, पूछिए। हाँ गुरुजी, मेरा एक ही क्वेश्चन है गुरुजी, मेरा कोई जॉब नहीं लग रहा है, मेरा फाइनल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है, मेरा पापा का भी रिटायरमेंट हो गया है, कोई फायदा नहीं हो पा रहा है। देखिए पुलिस सर्विस के लिए ट्राई कर सकते हैं आप, पुलिस या मिलिट्री में जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छा योग है। मंगल आपके 10th हाउस में है, लियो साइन में है, 6th हाउस का लॉर्ड है, ठीक है। पुलिस मिलिट्री पैरामिलिट्री फोर्स सिक्योरिटी गार्ड, इसमें आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा कोर्ट है? सिक्योरिटी गार्ड, पुलिस, मिलिट्री सर्विस, पुलिस सर्विस, पैरामिलिट्री फोर्स, सिक्योरिटी गार्ड, इसमें आप ट्राई कर सकते हैं, इसमें आपके गवर्नमेंट जॉब लगने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है
इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो जहां आपका बर्थ हुआ है वहां पर जो लोकल गवर्नमेंट है वहां की, जो वहां पर सड़क पानी बिजली जो सप्लाई करते हैं, वहां पर अगर आप ट्राई करेंगे तो वहां पर भी आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। अच्छा जी, मैं फिलहाल अभी जो कौन सा एग्जाम कौन सा एग्जाम दिया आपने? पायलट का ट्रेन इंडियन ट्रेन की बात कर रहे हैं आप? रेलवे की बात कर रहे हैं? हाँ तो लग सकता है, मैं बता रहा हूँ ना आपको, आपका फोर्थ हाउस जो है ना, फोर्थ हाउस यानी होमलैंड, होमलैंड में रेलवे में भी अगर ट्राई करते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना बिजली पानी यातायात जो वहाँ के जितने भी जो सिस्टम होते हैं वहां पर ट्राई करेंगे तो आपके लगने के योग हैं। ठीक है, कोशिश करो आप, बिल्कुल आपको चांस मिलेगा। ठीक है, इसके लिए आप एक मोती पहनो, एक मोती पहनो, एक मूंगा पहनो, एक पुखराज पहनो, तीन स्टोन आपको पहनना है। दूसरा एक मानिक पहनना है, मानिक अगर नहीं पहनेंगे तो चलेगा, मोती मूंगा पुखराज तीन आप पहन सकते हैं। ठीक है, बाकी बाकी फर्दर क्वेश्चन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप करो। मेरा जो दादा जी है वो इसी साल गुजर गए, तो मैं सोच रहा था देखिए वो आपकी जो परंपरा है गांव की, अपने घर की, अपने परिवार की, उसको पहले आप फॉलो करें, उसके बाद आप चीजों को इनको पहन सकते हैं। ठीक है, ठीक है। सुब्रत कुमार बिस्वाल, सुब्रत जी आप कॉल कर सकते हैं, अगर कॉल है सुब्रत विश्वास आपने कर लिया कॉल। सरविंदर जी पंजाब में कहाँ रहते हो? बिकॉज पंजाब में होके आए होंगे। हेलो हेलो, हाँ जी, हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही आपको? जी कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं आप? अहमदाबाद से? विशाल बात कर रहे हैं। जस्ट सेकंड, जस्ट सेकंड। जी हाँ बताइए, डेट ऑफ बर्थ 5 April 1977। टाइम ऑफ बर्थ? या एंड टाइम ऑफ बर्थ 2:50 AM। टू फिफ्टी एम लेट ऑफ बर्थ? हाँ जी, 2:50 AM। ओके, बर्थ प्लेस बताइए अपना। लगन बताया आपको अपना? हेलो, एक सेकंड, क्वेश्चन पूछिए अपना। विशाल जी क्वेश्चन पूछिए, विशाल जी क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए अपना क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये कि बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है गाय का अंडरवर्ल्ड के लिए, अंडरवर्ल्ड के लिए रोड,
अच्छा एब्रॉड के लिए, मुझे लगा अंडरवर्ल्ड के लिए। ठीक है अब्रॉड जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं आप, कभी पहले आप होके आए हैं? पहले कभी आप होके आए हैं क्या अब्रॉड? नहीं मैंने कभी ट्राई किया था, तो मेरा फीलिंग किया था सर्टेन चीजों को मैं बाद में नाम रख सकता हूँ क्या मेरा फीलिंग थोड़ी लॉस होगी। देखिए आप अगर फॉरेन में जाएंगे तो आपको लॉस ही होगा, फायदा नहीं होने वाला है, बिकॉज 12th हाउस का लॉर्ड मर्करी है, मर्करी कैरियर हाउस में केतु के साथ बैठा है। ठीक है, तो अगर आप फॉरेन जाते भी हैं तो वहां से आपको वापस आना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, दूसरा फॉरेन से कोई भी अगर आप बिजनेस करते हैं इम्पोर्ट का एक्सपोर्ट का, उसमें आपको बाद में लॉस होगा, आपको छोड़ना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर आप अपने होमलैंड में रहके ही काम करेंगे ज्यादा आपको सक्सेस मिलेगी, फॉरेन अगर नहीं जाएंगे तो ज्यादा सक्सेस मिलेगी। अदरवाइज फॉरेन में जो भी आप करेंगे जाएंगे या वहां से कुछ भी आप करते हैं तो बाद में आपको वो छोड़ना पड़ सकता है, या फॉरेन से यहाँ दोबारा आ सकते हैं। ठीक है, मैं वही तो बता रहा हूँ ना, नहीं जाना चाहिए, लॉस होगा। ठीक है, मतलब नहीं 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 आप अपने होमलैंड में रहकर काम करें ज्यादा अच्छा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच जी। तो आप भी क्वेश्चन कर सकते हैं अपने प्राइम क्वेश्चन के साथ, और हेलो हेलो हाँ जी कौन, हेलो हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से बात कर रहे हैं? आप पहली बात तो पीछे से जो वॉल्यूम, जो हमारा वॉल्यूम आ रहा है ना पीछे से, उसको बंद करो। पीछे से जो वॉल्यूम आ रहा है उसको जी, कर दिया है। हाँ जी कर दिया। अच्छा जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन? जयपुर से। जयपुर से कौन बात कर रहे हैं? नाम बताइए। लाजपत तिवारी। लाजपत जी। अच्छा जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी। 2 सितंबर 1996। दो सितंबर 1996, टाइम बताइए। 9 AM सुबह 9 बजे। वर्क प्लेस बताइए अपना। जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान। क्वेश्चन पूछिए। हेलो क्वेश्चन पूछिए। क्वेश्चन ये सर चाहता कि कन्या लगन ही है। हाँ जी कन्या लगन में। हेलो हाँ जी कन्या लगन में क्वेश्चन पूछिए। सर मैं गवर्नमेंट जॉब कब तक लग जाएगी मेरी? गवर्नमेंट जॉब कब लगेगी आपकी? जी सर। कोई कोर्स वगैरह किया आपने? सर मैंने अभी बीएससी किया है। बीएससी किया आपने? देखिए अगर आप अकाउंट्स में अगर ट्राई करते हैं ना, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, अकाउंट्स अकाउंट्स से संबंधित अगर चीजों में ट्राई करेंगे तब आपकी जॉब लग सकती है, और अच्छी जॉब लग सकती है। ठीक है, तो पहले आप
अकाउंट से संबंधित जो कोर्स होता है पहले आप उसको करें, उसके बाद अगर आप ट्राई करेंगे तो आपकी जॉब लग सकती है। अब आपने बोला कि गवर्नमेंट जॉब, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम है, गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत कम है बिकॉज सूर्य आपका 12th हाउस में है, या तो घर से बहुत दूर जाके गवर्नमेंट जॉब लगेगी, जहां बर्थ प्लेस है वहां पर नहीं, घर से दूर 500 किलोमीटर क्रॉस करने के बाद या कहीं दूर जाने के बाद वहां गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। दूसरा, गवर्नमेंट जॉब में थोड़ी प्रॉब्लम भी आएगी बिकॉज शनि केतु के साथ है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो इसलिए पहले आप पहले कोर्स कंप्लीट करें अकाउंट से संबंधित जो मैंने आपको बताया है अकाउंटेंसी का, उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं। 18-19 साल से देखे आप लोग नहीं, मैंने बोला ना जो आप पहले वो तो कंप्लीट करें जो मैंने आपको बोला है, जिस लाइन में आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी पहले वो तो आप कंप्लीट करें, जब वो कंप्लीट ही नहीं करेंगे तो कभी गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। ओके सर, ओके, अकाउंट्स कंप्लीट करें पहले अपना। ओके थैंक यू सर, ठीक है। तो ये थे लाजपत जी जयपुर राजस्थान से, आप भी चाहें तो अपने प्राइम क्वेश्चन सर कॉल कर सकते हैं, और जो भी एस्ट्रोलॉजी में जो आपको प्रॉब्लम आती है, जितनी भी आपके साथ प्रॉब्लम चल रही हैं, किसी के साथ आपने कंसल्ट किया, किसी ने आपको गलत एडवाइस किया, गलत एस्टोन आपको पहनाए हैं, गलत तरीके से आपको रेमेडीज बताई है, तो आप SPS फिल्म्स के थ्रू इन चीजों को क्लियर कर सकते हो, और यहाँ आपको कोई चार्ज नहीं देना होता, यहाँ सिर्फ आपको कॉल करनी होती है, पूछ सकते हैं आप से। हेलो, हाँ जी, कौन? हेलो जी, हेलो, हाँ जी, आवाज आ रही है, कहाँ से बात कर रहे हैं? हेलो सर, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ, पूर्णिमा। आप दिल्ली से बात कर रहे हैं, पूर्णिमा? हाँ जी, पूर्णिमा, दिल्ली का है और मेरा डेट ऑफ बर्थ है 24 मई 1991। दिल्ली में कहाँ से बात कर रहे हैं पूर्णिमा जी? दिल्ली से बात करें, दिल्ली से। दिल्ली में कहाँ से? अच्छा, मयूरविहार से। हाँ, डेट वो बताइए अपनी। 24 मई 1991। हाँ, अगर डेट ऑफ सॉरी टाइम है तो रात के 12:30 बजे। 91 का बर्थ है ना आपको? यस सर, 91। हाँ जी, टाइम बताइए। 12:30 बजे। 12:30 बजे, तो ये हाँ जी रात के 12:30। 23rd नाइट में हुए हैं या 24th नाइट में हुए हैं? सर 24th मॉर्निंग हो गया ना। Yes, आपका बर्थ प्लेस क्या है? ओके, ये क्वेश्चन पूछिए। देखिए, बाहर तो आप एक ना एक दिन जाएंगे जरूर, ठीक है? देखो, राहु को ट्राई करना पड़ता है, राहु आपके 12th हाउस में है, और राहु जहाँ बैठता है उन चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, और दूसरा आपका फ्यूचर है कि आप बाहर जाएंगे और बाहर से आपको काफी गेम भी होगा, हो सकता है। आपकी मैरिज हुई अभी? नहीं सर, मैरिज नहीं, बट नेक्स्ट ईयर प्लान है। हो सकता है कि मैरिज भी आपकी बाहर हो,
हाँ जी हो सकता है कि मैरिज भी आपकी बाहर हो नहीं देखिए इसमें योग है 12th हाउस का लॉर्ड 7th हाउस में और वो भी अपने एग्रीगेशन में अगर बाहर मैरिज होगी तो ज्यादा अच्छा होगा ठीक है ना तो अच्छा। बाहर जाने का योग है इसमें मैरिज का भी योग है फाइनेंशियल प्रॉब्लम इसलिए आती है कि शुक्र और केतु का योग है आपकी कुंडली में शुक्र यानी वेल्थ केतु यानी लॉस ठीक है वेल्थ का लॉस मैं बिल्कुल पास आके बोल रहा हूँ बिल्कुल पास हूँ मैं अब इससे ज्यादा पास आऊंगा तो मोबाइल के अंदर घुसना पड़ेगा मुझे बिल्कुल पास में मैं ये बोल रहा हूँ कि शुक्र शुक्र और केतु का योग है आपकी कुंडली में शुक्र केतु का योग हेलो शुक्र केतु का योग एक काम कीजिए आपके फोन में मुझे लगता है प्रॉब्लम होगी आप मुझे ना व्हाट्सएप कीजिए ठीक है आप मुझे व्हाट्सएप करना आ रही है आवाज हाँ हाँ तो सुनिए शुक्र केतु का योग है आपके सिक्स हाउस में शुक्र केतु यानी शुक्र केतु का अगर योग होगा तो मॉनेटरी लॉस होता है पैसे की प्रॉब्लम आती है ठीक है दूसरा आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड सैटर्न है सैटर्न तो सैटर्न धीरे 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 करके आदमी को वेल्थ देता है एकदम से नहीं देता ठीक है धीरे धीरे करके आपके पास वेल्थ आएगी ये मतलब धीरे धीरे करके वेल्थ आएगी एकदम से आप वेल्थ ही नहीं बनेंगे धीरे धीरे करके आपके पास वेल्थ आएगी जो वैल्यू है आपकी वेल्थ वेल्थ जो है वो धीरे धीरे करके बनेगी ठीक है इसमें केतु की आपको रेमेडी करनी है केतु की रेमेडी करनी है केतु की रेमेडी बहुत ईजी है इसमें मान लो कोई आपके आसपास में कोई बच्चा है उसको बुक्स वगैरह चाहिए किताब वगैरह चाहिए या उसको पेन वगैरह चाहिए उसको वो खरीद के दें दूसरा अगर किसी को टूल्स की जरूरत है जैसे कोई मैकेनिक है उसको टूल्स खरीद के दे दें ठीक है और ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें ब्लैक एंड व्हाइट कलर की काउ को फीड करें ऑनियन और गार्लिक 7 टाइम रोटेट करके बहते पानी में बहाएं ठीक है सर के ऊपर से और ट्यूसडे और सैटरडे को ही काम करना है आपको ठीक है कितने काम करना है ट्यूसडे और सैटरडे हेलो ट्यूसडे सैटरडे देखिए आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा ठीक है ना आप मुझे व्हाट्सएप में डिटेल भेज देंगे मैं आपको बता दूंगा इनकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी कोई इनकी फोन में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी तो अगर किसी को कोई डाउट रहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप करें मैं आपको चीजें वहां पर क्लियर करूंगा हीरा शामिम सर कार बिजी जा रहा है बिल्कुल बिजी जाएगा जी नीलम हेलो हेलो हाँ जी कहाँ से बात कर रहे हैं जी मैं नोएडा से बात कर रही हूँ नोएडा से कौन बात कर रहे हैं मीरा की टीम बोल रही है मीरा हेलो मीरा जी बात कर रहे हैं आप अपना नाम बताइए पहले नाम बताइए सुबह 8:31 आपको सुनिए आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या पहले आप मेरी बात तो सुनिए मैं आपको क्या बोल रहा हूँ आप मेरी बात तो सुनिए मैंने अभी पहले तो बताइए आप कहाँ से बात कर रहे हैं कौन बोल रहे हैं नाम बताइए अपना हेलो नाम बताइए मेरा नाम मीरा है SERA हीरा 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 जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए डेट ऑफ बर्थ बताइए हीरा जी मेरा डेट ऑफ बर्थ है 13/1993 टाइम बताइए टाइमिंग है 8:58 AM मुंगेर बिहार सर मेरा क्वेश्चन ये है जॉब से रिलेटेड है कि मैं कब तक
कमा पाऊंगी और इससे क्या मैं बाहर जाके कमाऊंगी? अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? हेलो, अभी आप कहाँ पर जॉब करते हैं? मैं जॉब नहीं कर रही, मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, मास्टर्स में हूँ, एमबीए कर रही हूँ। एमबीए मतलब अकाउंट्स कर रहे हैं? हेलो, एमबीए अकाउंट्स बिजनेस मैनेजमेंट। जी सर। हाँ जी, मैं तो फर्स्ट ईयर में एमबीए फर्स्ट ईयर में हूँ। देखिए इसमें क्या है, मरकरी आपके 12th हाउस का लॉर्ड है, 12th हाउस में बैठा है, तो जो आपने क्वेश्चन किया कि आप बाहर जाके सेटल हो सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप कर सकते हैं, कहीं भी देश से बाहर जाके कहीं भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है? ठीक है जी, मैंने कहा बाहर जाके कहीं भी काम कर सकते हो, आप कहीं बाहर जाके काम कर सकते हैं। ओके सर। जी सर, मेरी आर्थिक स्थिति सब तक ठीक हो जाएगी क्योंकि घर में अभी थोड़ा प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल इश्यूज भी चल रहे हैं। देखिए आपके सेकंड हाउस का लॉर्ड, धन का लॉर्ड केतु के साथ है, इनकम के घर में केतु बैठा है, केतु की रेमेडी करें तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होगी। केतु की रेमेडी है किसी भूखे इंसान को खाना दें, जिन लोगों को खाने की जरूरत है उन्हें खाना दें, जिन लोगों को पैसे की जरूरत है उन्हें पैसा दें, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करें, ब्लैक एंड व्हाइट कलर की काउ को फीड करें, ऑनियन और गार्लिक 7 टाइम रोटेट करके सर के ऊपर से बहते पानी बहाएं शनिवार या मंगलवार के दिन, ठीक है? ओके, रिपीट टेलीकास्ट आप कभी भी देख सकते हैं आकाश जी, 10 बार देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब भी वीडियो अपलोड हो जाएगी उसके बाद आप देख सकते हैं बिल्कुल। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं और आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो जब ये वीडियो अपलोड हो जाती है उसके बाद आप इसको दोबारा से चला के देख सकते हो, उसमें सारी चीजें क्लियर हो सकती है, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको एक दो दिन में आंसर भी कर दूंगा। दूसरा जो भी आप पूछें तो अपने प्राइम क्वेश्चन के साथ पूछेंगे, ज्यादा अच्छा है। पूर्णिमा जी, आप अगर उसको वीडियो को दोबारा चला के अगर देखेंगे तो आपको जो मैंने बोला है वो आपको पता चल जाएगा, जब ये वीडियो अपलोड होगी उसके बाद आप उसको दोबारा चला के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, उसके बाद भी क्लियर नहीं होता, किसी को भी क्लियर नहीं होता है तो मुझे व्हाट्सएप आप लोग कर सकते हैं। हेलो, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? किरण कुमार, किरण कुमार कानपुर, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश जी। डेट ऑफ बर्थ बताइए अपनी किरण जी। जी 9 सितंबर 1990। टाइम ऑफ बर्थ बताइए। टाइम ऑफ बर्थ आफ्टरनून 12:30 पीएम। क्या कह रहे हैं? आफ्टरनून 12:30 पीएम। आफ्टरनून 12:30 पीएम। या बर्थ प्लेस बताइए। कानपुर आंध्र प्रदेश। लगन पता आपको? लगन वृश्चिक लगना।
जी क्वेश्चन पूछिए अपना। जी मैं बैंकिंग में गवर्नमेंट जॉब ट्राई कर रहा हूँ पिछले 2 साल से, सफलता नहीं है। हाँ नेताजी, सफलता नहीं है। वो हम पता नहीं, वो पता चलना कि कॉल किया। क्या ट्राई कर रहे हैं आप? गवर्नमेंट जॉब? हाँ गवर्नमेंट जॉब। देखिए गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी, हाँ हाँ गवर्नमेंट जॉब आपको 100% मिलेगी, बिल्कुल 100%। बिकॉज सन आपके 10th हाउस में है, 10th हाउस में सन है, अपने ऑन साइन में है। दूसरा सैटर्न सन को देख रहा है, सैटर्न 4th हाउस में है, अपने ऑन साइन में है। अपने होमलैंड में रह के कोशिश करें, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। ठीक है, क्या बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा योग है, पॉलिटिकल योगा भी बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, पॉलिटिकल योगा बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इसमें एक मैलेफिक योगा बन रहा है कुंडली में। आपका असेंडेंट जो है वो राहु के साथ 12th हाउस में चला गया है, तो ये ठीक नहीं है। ठीक है, हाँ तो इसकी आप रेमेडी करें, अंगारक दोष की शांति कराएं। ठीक है, वरना हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है जी, नीलम जी आप जो बात कर रहे थे, आप भी मेरे से बात कर रहे थे अभी नोएडा से? नोएडा से मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने सबका क्वेश्चन लिया है। आपको मैं बोल रहा था, आपको आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ओके ठीक है, मेरा क्वेश्चन नहीं लिया। कौन सा क्वेश्चन आपका? आप मुझे कॉल कीजिए, अभी बात कीजिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं? हेलो जी, आप नीता जी? नीता जी अहमदाबाद जी। अच्छा अभी आप लाइव हो जी? जी बिल्कुल लाइव हूँ, बताइए जी। मैंने बर्थडे बताओ आपको? हाँ जी बर्थडे बताइए अपनी। 16 सितंबर 61 राइट? 61 टाइम बताइए, टाइम 16 सितंबर 15th या 16th? 16 16 ओके 1961 राइट जी। टाइम बताइए जी। टाइम है 3:15 AM एंड बर्थ AM रात का बर्थ है। 16 की रात का बर्थ है या 15 की रात का बर्थ है? 3:15 AM ना? 3:15 AM जी। लगन बता आपको अपना? बर्थप्लेस है मेरा का। आपको लगन पता है अपना? लगन आपका लगना है जी, कर्क लगना है। ठीक है, क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए नीतू जी, नीता जी जी बोलिए, क्वेश्चन पूछिए अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन में ऐसा है, सॉरी क्वेश्चन में ऐसा है कि तेरे लैपटॉप प्रॉब्लम फ्रॉम फैमिली और बहुत दिक्कत बढ़ गए हैं। वैसे मैं सिंगल हूँ, मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं सबसे बड़ी हूँ घर में, पापा भी नहीं रहे, भाई भी नहीं रहा मेरा,
मेरे से छोटा था लेकिन उसको हार्ट अटैक आया, वो चला गया। अब बाकी पहले तो ठीक थी, सब अच्छा ही चल रहा था, लेकिन आफ्टर माय ब्रदर्स डेथ उसका बहुत प्रॉब्लम बढ़ गए हैं, देयर इज लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ। वजह ये नहीं है और कुछ नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी है, काम कीजिए। सुनिए आपकी प्रॉब्लम, सुनिए सुनिए आपकी सुनिए आपकी प्रॉब्लम इसमें कुछ ज्यादा बड़ी है, इसमें कुछ और भी योगा बने हुए आपकी कुंडली में, ठीक है ना। इसको डिटेल से समझाना पड़ेगा। आप मुझे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप करना है, व्हाट्सएप नंबर आप लिखिए। जी बोलिए। 9599933 6493 आप मेरी बात नहीं सुन रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हो, मैं क्या बोल रहा हूँ आप सुनते नहीं हो। मैं बोल रहा हूँ 9599933 6493 6493 ठीक है। Okay. आप मुझे उसमें व्हाट्सएप कीजिए अपने नाम के साथ, अपने प्लेस के साथ, डेट ऑफ बर्थ के साथ, ठीक है। फ्री होके आपसे बात करता हूँ। हाय फ्री स्टाइल, हाय आकाश दास जी, गुरु जी मानिक और मूंगा कितने रत्ती धारण करना चाहिए आपके वेट के अकॉर्डिंग होगा। नीलम रावल सर पूरा लगन वाले सर, मैं दुबई में हूँ 2 साल से। हेलो हेलो हेलो, आप क्यों बैल बज रही है अभी तक? हेलो हाँ जी पूछिए, कहाँ से बात कर रहे हैं? सिस्टर का पूछने का था। सिस्टर का नाम बताइए। हेलो सिस्टर का नाम बताइए। लविना शाह, सॉरी लविना शाह, लविना शाह 5 जनवरी 1982 कहाँ से बात कर रहे हैं आप? इंदौर से। 5 जनवरी 1982 सुबह कितने बजे? 6:30 लगन पता आपको इनका? इनका लोकल है धनु। ओके धनु लगन लवीना चाह, ठीक है लवीना चाह नाम है। कहाँ से बात कर रहे हैं? कहाँ से बात कर रहे हैं? क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। उनका फ्यूचर कैसा रहेगा? देखिए ये तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है, फ्यूचर कैसा रहेगा, आप एक प्राइम क्वेश्चन पूछिए। उनका शादी जीवन मुदास्कर करने रहा है तो क्या काम पास है? शादी डिवोर्स होगा नहीं चल रहा शादी डिवोर्स होगा नहीं चल पा रहा है तो ये तो आपको ही पता है, ये तो मुझसे क्या पूछ रहे हो? क्या कह रहे हैं? अच्छा ये पूछ रहे हैं कि सेटलमेंट होगा, सेटलमेंट होगा कि नहीं होगा ये पूछ रहे हैं। चांसेस मुश्किल है, ठीक है मुश्किल है। हाँ
मुश्किल चांस है, थैंक यू सर, ठीक है ना, थैंक यू सर, ठीक है जी। सर कैन आई टॉक व्हाट्सएप बिकॉज योर वॉइस इज नॉट क्लियर, टॉक विशाल, वॉइस तो मेरी बड़ी क्लियर आ रही है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ एकदम, आप व्हाट्सएप कीजिए, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बट व्हाट्सएप का रिप्लाई मैं जब भी करूंगा जब मैं फ्री होता हूँ थोड़ा, और आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा उसके लिए। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी कौन बात कर रहे हैं जी, मैं नवान बात कर रहा हूँ फ्रॉम पाकिस्तान। नवान, नवान फ्रॉम पाकिस्तान, जी जी। नवान जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। नवान जी अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए। नवान जी अपनी भाई का नाम बताइए, भाई का नाम बताइए, भाई का नाम उस्मान है, उस्मान, 28 नंबर 19 87, टाइम ऑफ बर्थ क्या है, टाइम ऑफ बर्थ क्या है इनका, टाइम ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ है शाम को, इनका लगन पता है, नहीं बर्थ प्लेस बताइए, हाँ बर्थ प्लेस सिंध, कराची सिंध, जी जी डाल रहा हूँ, कराची सिंध पाकिस्तान। क्वेश्चन पूछिए नवान जी। हाँ इनका एक्चुअली इनका प्रॉब्लम ये है कि इनकी पर्सनैलिटी जो है काफी कंफ्यूज रहते हैं और जॉब में भी इनका दिल नहीं लगता, तो इनका क्या, इनका सॉल्यूशन क्या है, मतलब कौन सा जेमस्टोन आप रिकमेंड करेंगे कि देखिए जॉब के घर में शनि बैठा हुआ है जो इनको फ्रस्ट्रेट करेगा जॉब को लेके, ठीक है, और सडनली जॉब इनकी छूट भी सकती है, इनिशियल लाइफ में बड़ी दिक्कतें रहेंगी जॉब को लेके, जॉब को करना इनकी नीड भी है, मजबूरी भी है, ठीक है, जॉब इनको करनी भी पड़ेगी, स्टार्टिंग में दिक्कत आएगी, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि नारियल होता है, नारियल पाकिस्तान में मिलेगा, नारियल जी बिल्कुल, नारियल को बहते पानी में आप बहाएं शनिवार के दिन, ठीक है, नारियल को बहते पानी में बहाएं शनिवार के दिन, ब्लैक कलर के डॉग को फीड करें शनिवार के दिन, दूसरा इनको एमरल्ड पहनाएं 6.25 कैरेट का, हाँ वो मैं बोल रहा हूँ एमरल्ड 6.25 कैरेट का इनको एमरल्ड आप पहनाएं, ठीक है, बिकॉज केतु इनके वर्गो साइन में है, जॉब के घर में है, तो जॉब को लेके ये थोड़ा सा फिट नहीं है, ठीक है ना, जॉब को छोड़ सकते हैं, ठीक है, तो इनको एमरल्ड आप पहनाएं, दूसरा इनको, हाँ एमरल्ड पहनाना है, दूसरा आप इनको केतु की रेमेडी इनको करनी है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करना, ठीक है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर के डॉग को फीड करना, दूसरी चीज ऑनियन और गार्लिक 7 times रोटेट करके, ऑनियन और गार्लिक 7 times रोटेट करके बहते पानी में बहाना, ठीक है, ऑनियन और गार्लिक 7 times रोटेट करके बहते पानी में बहाना, या ऑनियन और गार्लिक किसी को डोनेट करना, ठीक है, अच्छा
दूसरा एक और रेमेडी है, ठीक है जी, और बिल्कुल ठीक है, और आपका हम बड़े शौक से सुनते हैं और आपके जितने भी यूट्यूब पे वीडियो है जी, और बस ये है कि आपसे बहुत मालूम मिलती है जी जी, धन्यवाद, याद रखिएगा जी, और ठीक है, ठीक है मान जी, नवान जी, ओके ओके, ये नवान जी थे पाकिस्तान से, आकाश दास साउंड गुड, प्रियंका भाटिया नमस्कार, नमस्कार प्रियंका जी। तो ये मैं इसके बाद लास्ट कॉल लूंगा, उसके बाद फिर हम लोग कल बात करेंगे दोबारा, तो अभी लास्ट कॉल, हीरा शामिल सर आप प्लीज पेड रीडिंग एक्सेप्टिंग करते हैं जी, अगर आप कंसल्टेंसी बुक करना चाहते हैं तो वो पेड रीडिंग में आ जाता है कंसल्टेंसी, ठीक है ना, वो कंसल्टेंसी होता है 1.5 hours 2 hours कंसल्टेंसी होती है कि आप उसमें पर्सनली मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, जो भी अपने लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, लाइफ कंसल्टेंसी हो गया, मैरिज कंसल्टेंसी हो गया, एजुकेशन संबंधित कंसल्टेंसी हो गया, तो वो आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, अगर आप व्हाट्सएप करते हैं मेल करते हैं हमें तो आप बिल्कुल कंसल्ट कर पाएंगे पर्सनली, बट बहुत से लोग कंसल्ट नहीं कर पाते, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो आप मेरे से लाइव बात कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने लाइव ये स्टार्ट किया है कि जो लोग फाइनेंशियली वीक हैं कंसल्ट नहीं कर सकते तो आप मेरे से लाइव क्वेश्चन पूछ सकते हैं। राजकुमार जी कौन सा आंसर था आपका, आपका तो कोई आंसर था ही नहीं अभी, तो फोन कॉल सभी बंद करते हैं फिलहाल, और थोड़ी देर चैटिंग करते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। पूर्णिमा जी सर मेरा अपर क्वेश्चन है, ये पूछिए क्वेश्चन, हितेश जी नमस्ते, नमस्ते हितेश जी, कोई भी आपका क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट्स हैं आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज हमारा चैनल इसी चीज के लिए है, आपके डाउट्स को क्लियर करना, मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, लोगों को जो भी गिरोह के असर से जो लोग परेशान रहते हैं दिक्कत में रहते हैं, मैं चाहता हूं कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करें। क्वेश्चन भी देखिए, आपका क्वेश्चन कहां पर है, आपका क्वेश्चन तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा, अतुल जी लाइफ पार्टनर अच्छी मिलने का उपाय, ऐसा कोई उपाय नहीं है, ये जो उपाय होगा ये आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग ही चल सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई उपाय नहीं है, और ना किसी उपाय वाले के चक्कर में पड़े, ठीक है ना, क्योंकि कोई ऐसा उपाय नहीं है, अगर आपकी कुंडली में अगर लाइफ पार्टनर का योग नहीं है तो योग कोई पैदा कर देगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है, तो थोड़ा सा आपको स्मार्ट बनने की जरूरत है, भ्रम जाल से थोड़ा सा बाहर निकलिए, लोग धोखा देते हैं, तांत्रिक लोग बाबा लोग इन सब लोगों से थोड़ा सा बाहर आइए, ठीक है, कोई अगर आपको बहकाता है झूठ बोलता है तो ऐसा कोई उपाय नहीं है कि कोई उपाय करने से कुछ ठीक हो जाएगा, हाँ आपके बर्थ चार्ट में अगर योग है तो ठीक होगा, अदरवाइज ऐसा कोई तरीका नहीं है जो आपको ठीक कर दे, और ठीक होने का तरीका भी आपके हॉरोस्कोप में होना चाहिए तभी ठीक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। भाग्य फिक्स्ड होता है या चेंज हो सकता है, देखिए भाग्य फिक्स्ड होता है लेकिन कुछ चीजें चेंज हो सकती हैं, हीरा सामन जी पूछते हैं सर 7th हाउस में 10th हाउस लॉर्ड, ये तो आप मुझसे अगर फोन कॉल्स के थ्रू पूछेंगे ज्यादा अच्छा है, राजकुमार आकाश दास गुरुजी यू आर ग्रेट बेस्ट, थैंक यू आकाश जी,
सर मेरा बाहर परमानेंट सेटलमेंट है कोई या इनकम सोर्स फ्रॉम आउटसाइड? देखिए ये तो जब मैं आपके बर्थ चार्ट को देखूंगा तभी बता पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको बोला था आप मुझे व्हाट्सएप कर देना, क्योंकि यहाँ आपको आवाज नहीं आ रही थी ना मुझे आ रही थी, मुझे तो आ रही थी आपको नहीं आ रही थी एक्चुअली। जो भी आपका जो भी डाउट्स हैं आप उसको, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप उसको लिख के बिल्कुल व्हाट्सएप कीजिए, मैं जब फ्री होऊंगा तो आपको बता दूंगा। ओके गाइस, तो ये था वॉल्यूम नंबर 15 और हम लोग कल फिर दोबारा से मिलेंगे इसी टाइम, और जो भी आपका प्राइम क्वेश्चन है आप उस क्वेश्चन के साथ अगर मुझसे बात करेंगे तो चीजें क्लियर होंगी। अगर आप पूछते हैं कि कुछ बताइए तो बताने के लिए तो उसमें बहुत कुछ है, और आप अगर कंसल्ट करना चाहें वो आपके ऊपर है, ठीक है ना, कि आप लाइव बात नहीं कर सकते, लाइव बात नहीं करना चाहते, कोई आपका सीरियस टॉपिक है सीरियसली बात करना चाहते हैं, या कोई आपका प्राइवेट कुछ है तो आप उसके बारे में बात करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल ऑफलाइन बात कर सकते हैं, ठीक है। लाइव अगर आप कुछ नहीं पूछना चाहते तो आप ऑफलाइन बिल्कुल पूछ सकते हैं। ओके गाइस, सो गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर।